जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है, राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच प्रदेश के मुखिया नायब सैनी अचानक रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बात करते हुए 1 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। ये देखिए, पार्टी हमारी पूर्ण रूप से तैयार रहती है और ये चुनाव आयोग का अधिकार है कब चुनाव कराने हैं कब नहीं कराने हैं, क्योंकि जब समय होता है उसके अंदर 2 महीने आगे पीछे वो अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कराते हैं। चुनाव आयोग ने जो डेटे दी है उसका हम स्वागत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग ने डेटे दी है, हम सब घर से बाहर निकल करके अपने अपने वोट का मतदान करें, इस लोकतंत्र के पर्व को हम मनाएं। अगर नायब सिंह सैनी को 2 साल पहले मौका मिलता तो तस्वीर कुछ और होती। आगे 5 साल है ना, कमाल कर दिया आपने। आगे 5 साल आ रहे हैं, आगे 5 साल दे रहा है हरियाणा प्रदेश और इसको गजब करेंगे हम। ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे हर वर्ग के लिए। अरे सरकार की जिम्मेवारी है कि आज जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, कहा जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, आज जाट समाज सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जाट समाज प्रसन्न है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को आकर के मिलते हैं जाट समाज के लोग, मिलते हैं और जो वो बात बोलते हैं उसको हम तुरंत सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा शेड्यूल बना हुआ था, मैंने कहा था, शायद घोषणा की थी मैंने, कि मैंने 100 दिन का पूरा अपना एजेंडा तैयार कर लिया। मैंने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, क्योंकि जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो लोकसभा के चुनाव आ गए थे, तो मैंने लोकसभा के चुनाव के अंदर ये कहा है कि 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा और 6 तारीख से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव हैं 100 दिन हैं। मैंने 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार कर रखा था, आप हर रोज देख रहे हैं। घोषणा होती थी, इम्प्लीमेंट होता था, कैबिनेट की बैठक होती थी, उसमें निर्णय करके उसको इम्प्लीमेंट करते थे, लोगों तक लाभ पहुंचाते थे। कांग्रेस ने तो उन गरीब लोगों को उनका इतना शोषण कर दिया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम है, वोट लेने के लिए ये बात कह दी कि 100 गज के प्लाट देंगे। वो चक्कर काट रहे बेचारे गरीब आदमी है, किसके पास जाए, ना कोई अधिकारी सुने, ना कोई मंत्री सुने, ना कोई संतरी सुने, कोई भी ना सुने उनकी। जेजेपी के सारे नेता तंग थे दुष्यंत से बहुत ज्यादा तंग थे। वो इंतजार कर रहे थे भी कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन ही उसका मैदान खाली हो गया। वो तो पहले तैयार बैठे थे, वो तंग थे, उसकी नीतियों से तंग थे। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वो अपनी नीतियों में सुधार करे थोड़ा बहुत। देखिए, मैं एक पार्टी के नाते से, मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मजबूत हो जो थम भी है, नहीं तो सुपड़ा साफ कर देंगे लोग, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार की ओर से जितनी घोषणाएं की गई हैं सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपना हिसाब दे, भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। सबके नोटिफिकेशन हो गए, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है। कहीं तो हमने लगभग खाते के अंदर उनके जो भी घोषणा हमने की उसको इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ देना ये शुरू हो गया था सब घोषणाओं का। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना शोषण किया है, आज ये बापू बेटा लगे हुए हैं हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आप मिर्चपुर कांड का दीजिए ना, इनकी सरकार के अंदर क्या हुआ, कितने पिछड़े समाज के लोगों के घरों को जला दिया, आग के हवाले कर दिया, ये कहां थे ये लोग, उसका हिसाब दीजिए। और किस प्रकार से गोहाना का कांड हुआ उनका हिसाब देना चाहिए इन्होंने मंच के ऊपर। किस प्रकार से किसानों को 2-2 रुपए का चेक, 5-5 रुपए का चेक, अरे शर्म नहीं आती, खाता खुलवाने के लिए 500 रुपए और उसमें जमा करने के लिए 2 रुपए, अरे ये कहां की आपकी नीति है। जिस प्रकार से शोषण करते, किसान माथे को पीटता था जब 2 रुपए का चेक उसके हाथ में आता था। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन किए थे, भी इनका उत्तर दे, आप हिसाब मांग रहे हैं इनका उत्तर दीजिए, आज तक नहीं दिया। फिर मैंने 2 रोज पहले
अभी किसानों के खाते के अंदर 2000 रुपया मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से 525 करोड़ रुपए डाला। उस दिन मैंने 14 क्वेश्चन पूछे, भाई अगर तेरे याद ना रहा हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 14 क्वेश्चन और किया है मैंने, उनको उत्तर दे दे। अरे दे तो, झूठ मत बोल। वही हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने रोहतक स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं से राखी भी बंधवाई। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।